Hello friends, you are most welcome in the new video of Pratibha Education. Today we will discuss about the puzzles asked in RRB pre in multi-purpose office assistant or multi-purpose assistant examination. तो इस तरह के वीडियो में और इस तरह के एग्जाम्स में जनरली जो प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वेरी इजी होते हैं, मतलब आराम से आप उसे टैकल कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जल्दी सॉल्व करना होता है क्योंकि कटअप इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। तो इसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है और ये हमारा क्वेश्चन सामने है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी ही कम होता है, सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर जिस क्वेश्चन को हम लोग पिक करें या जिस क्वेश्चन को हम लोग सोचें कि अब हमें इसे बनाना है तो उसे बनाकर ही हटाएं। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 6 मिनट उसमें देने के बाद वो क्वेश्चन नहीं बने, हमें बाहर अलग फिर दूसरे क्वेश्चन पे स्किप करना पड़े। तो बेहतर ये होगा कि जिस क्वेश्चन को हम लोग चूज़ करते हैं उसे बना ही लें, और उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और जिस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अपने वीडियो में बताऊँ, वीडियो के थ्रू बताऊँ। तो ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि लाइन अरेंजमेंट से आता है। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दी हुई है हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में, जितने भी पर्सन सारे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। जनरली इस तरह के प्री के एग्जाम से मल्टीपर्सन असिस्टेंट या क्लैरिकल के पेपर में हमारा लीनियर अरेंजमेंट डायरेक्शन दिया ही रहता है। अगर ये बैंक पीओ या आरआरबी पीओ का होता, आईबीपीएस पीओ का होता, तो डायरेक्शन नहीं दिया होता। अगर दिया भी होता तो ऐसा कहा होता कि 4 पर्संस जो हैं नॉर्थ में देख रहे हैं और 4 पर्सन 4 पर्संस जो हैं हमारा साउथ में देख रहे हैं, यानी मिक्स्ड अरेंजमेंट रहता। तो चलिए आगे देखते हैं, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ओके, सी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ से हमारा मेन इन्फॉर्मेशन जो हमारा है वो शुरू हुआ। सी क्या है, सी लेफ्ट से थर्ड है, यानी कि अगर हम लोग लेफ्ट ये पोजिशन अगर एज्यूम करते हैं तो सी 1 2 3 सी की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एफ। अब देखिए सी और एफ के बीच में ओनली 1 पर्सन है। अब हमें ये पता नहीं है सी के एफ इधर होगा या एफ इधर होगा, तो दोनों पोजीशन हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा। तो एफ हमारा एक यहाँ हो गया, इस तरह का 2 पोजीशन हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, ओनली 1 पर्सन सीट्स बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में कितने पर्सन है, तो ओनली 1 पर्सन है। अब देखिए सी और एफ का इन्फॉर्मेशन पहले दिया हुआ था जो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, अब हमारे पास सी और जी का इन्फॉर्मेशन है। तो जी अब यहाँ तो नहीं हो सकता, तो फिर जाहिर सी बात है जी हमारा यहीं होगा, तो जी हमारा एक यहाँ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ई सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब देखिए ये हमारा एक अलग इन्फॉर्मेशन है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि यहाँ ना एफ के बारे में पता चल रहा है, सी के बारे में ना सी से रिलेटेड है ना जी से रिलेटेड है। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक साइड में कॉलम बना के लिख लेंगे। लिखने का तरीका देखिएगा दोस्तों, लिखा किस तरह से जाता है, ई सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई है। इमीडिएट बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई है। ओके, आगे देखते हैं, एच सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। इमीडिएट राइट ऑफ एफ, यस एफ यहाँ पर हमारे पास गिवन है और एच कहाँ बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट ऑफ एफ के। अब या तो एच यहाँ होगा या फिर यहाँ पर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एच सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ओके, चलिए देखते हैं, एच है हमारे पास और एच के जस्ट लेफ्ट में डी है। अब देखिए यहाँ पर तो डी हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर पहले से सी मौजूद है, तो यानी कि ये हमारा अरेंजमेंट जो है गलत जा रहा था। तो अब डी कहाँ है, डी जो है, एच जो है जस्ट इमीडिएट लेफ्ट है, सॉरी इमीडिएट नहीं है, यहाँ पर एच सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द डी, लेफ्ट ऑफ द डी, यानी कि इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डी के जस्ट लेफ्ट में ही ई बैठेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है डी यहाँ हो और 3-4 पर्सन के बाद एच हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं इसे, एच सिट्स इन लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में, कितना लेफ्ट में वो हमें नहीं दे रखा है, बस दे रखा है कि एच जो है हमारा लेफ्ट में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में ओनली 1 पर्सन है, ये 3 नंबर का इन्फॉर्मेशन, डी ए है और ओनली 1 पर्सन बिटवीन डी एंड ए। देखिए ये तो हमें पता नहीं डी इधर है या ए उधर है इधर है, इसलिए मैं हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर डी और ए दोनों को रखा और बीच में 1 पर्सन कंसीडर कर लिया है। डी इज़ नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए,
डी क्या है ए के लेफ्ट में नहीं है, डी क्या है ए के लेफ्ट में नहीं है। ओके चलिए अब देखिए इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए उसके बाद पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे जो हम लोगों ने ब्रीफ में नोट डाउन किया है, क्या है ई जस्ट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, जस्ट इमीडिएट है यानी कि नेवर है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इन दोनों ये दोनों एक ही साथ बैठेंगे, यानी कि हमारे अरेंजमेंट में कोई ऐसा दो वैकेंट प्लेस आना चाहिए जो लगातार खाली हो, जिसमें दो सीट्स हों अवेलेबल हों। यहाँ पर देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 यानी अगर हम लोग 2 यहाँ देते हैं तो अगर ई और बी वहाँ आ जाता है तो डी कहाँ आएगा, डी डी तो जरूर या तो यहाँ डी आना चाहिए या तो यहाँ आना चाहिए, कहीं तो आना चाहिए तभी तो ये वाला हमारा कंक्लूजन जो है सही होगा। इसका मतलब यहाँ पर ई और बी नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो रहा है। ठीक है तो उसके बाद अब नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 3 स्पेस और यहाँ पर खाली है हमारे पास, 3 वैकेंट प्लेसेस हैं। तो 3 वैकेंट प्लेसेस में हम लोग किस तरह से देखिए इसको फिल करेंगे, 1 2 और 3 यहाँ पर देखिए ई और बी एक पोजीशन पे हमारा ई और बी, अब ई और बी यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है। ओके ई हमारा यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, या फिर ई यहाँ हो सकता है और बी यहाँ हो सकता है, इस तरह से कुछ हो सकता है। उसके आगे बढ़ेंगे देखिए क्या है, डी के लेफ्ट में एच है, वो तो चलिए डी कहीं भी रख देंगे तो एच इधर लेफ्ट में आ जाएगा, डी और ए के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है डी और ए के बीच में 1 पर्सन है और ए हमारा डी हमारा ए के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। ओके चलिए यानी कि डी जो है राइट में ही होगा, इसका मतलब डी अगर हम लोग यहाँ रखते हैं और ए यहाँ रखते हैं, ओके तो देखिए ए और डी के बीच में 1 पर्सन हो गया। उसके बाद देखिए डी के लेफ्ट में एच है, ये भी सही है। उसके बाद ई और बी की जहाँ बात हो रही है तो ई आपका यहाँ आ जाएगा और बी आपका यहाँ आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स तो ये जो हमारा पजल है सॉल्व हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। तो इस तरह के देखिए एग्जाम में पजल आएंगे और ये जो क्वेश्चन है आपको मिनिमम 3 मिनट के अंदर ही करना है, तभी कुछ फायदा भी होने वाला है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और ये तो आपका एक टाइप का पजल हो गया, आगे के लिए आप जरूर कीप इन टच ऑलवेज, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। आरआरबी की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं होगा। ओके बाय।